गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई शैल टीच यू क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट लेसन नंबर 7. नेम ऑफ द लेसन इज बर्थ. नेम ऑफ द राइटर इज एजी क्रोनन एंड इट्स ए पार्ट वन ऑफ दिस लेसन. स्टूडेंट इट्स लेसन 7. नेम ऑफ द लेसन बर्थ एंड नेम ऑफ द राइटर इज एजी क्रोनन. इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द सीता दल. स्टूडेंट ये एक्सेप्ट है द सीता दल से जो है ये लिया हुआ है एक्सेप्ट जो है एंड्रयू मैनसन. और इसमें क्या बताया एंड्रयू मैनसन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल. एंड्रयू मैनसन जो है एक नया ही स्टूडेंट है जो मेडिकल स्कूल जिसने मेडिकल स्कूल पास किया है. हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस. उसने अभी जो है अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है एज एन असिस्टेंट. और एज एन असिस्टेंट जो है उसने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है कॉलेज को पास करने के बाद में. और वो असिस्टेंट किसका है स्टूडेंट डॉक्टर एडवर्ड पेज का. डॉक्टर एडवर्ड पेज का जो है वो असिस्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस है इन द स्मॉल वेल्च माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. ब्लेनली की एक छोटा सा वेल्च माइनिंग टाउन है वहाँ पे डॉक्टर एडवर्ड पेज का जो है वो असिस्टेंट है और वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है. एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिश्चन. कहते जैसे कि वो वापस आ रहा था डिसअपॉइंटिंग इवनिंग एक बहुत ही कहते उदास भरी शाम थी जब वो क्रिश्चन के साथ आ रहा था. द गर्ल ही लव्स वो लड़की जिसको वो लाइक करता है. ही इज़ मेट बाई जॉय मॉर्गन और उसको जो है जॉय मॉर्गन मिलता है. जॉय एंड हिज वाइफ. जॉय और उसकी पत्नी जो है हु हैव बिन मैरिड नियरली 20 ईयर्स. जॉय और जो उसकी पत्नी है उनकी मैरिज को 20 साल हो चुके हैं. आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड और उन्हें जो है एक्सपेक्ट करते हैं उम्मीद रखते हैं अपने पहले बच्चे के लिए. दाउ इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन एंड्रयू रीच ब्रिनकवर. दाउ इट वॉज नियरली मिड नाइट. कहते ये मिड नाइट का टाइम था आधी रात का टाइम था. वैन एंड्रयू रीच ब्रिनकवर जब एंड्रयू जो है ब्रिनकवर पे पहुंचा. ही फाउंड जॉय मॉर्गन और उसने क्या देखा जब वो ब्रिनकवर पहुंचा एंड्रयू तो उसने क्या देखा स्टूडेंट ही फाउंड जॉय मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. उसने देखा कि जॉय मॉर्गन जो है वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा है. वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस. और जो जॉय मॉर्गन है वॉकिंग अप एंड डाउन द शॉर्ट स्टेप्स और वो छोटे छोटे कदमों से जो है वॉकिंग अप एंड डाउन होता है इधर उधर जो है छोटे कदमों से जो है चल रहा है. और बिटवीन द क्लोज सर्जरी है जो है जो पास में ही उनके दवाखाना है एंड द एंट्रेंस टू द हाउस और जहाँ पे उसका घर है. कहते उसका घर का एंट्रेंस है और जहाँ पे क्लोज सर्जरी है वहाँ जो है छोटे छोटे कदमों से जो है वो इधर उधर चल रहा है. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. एट द साइट ऑफ हिम जब उसने उसको देखा द बर्ली ड्रिलर्स फेस. बर्ली ड्रिलर्स होता है कि एक फैटी पर्सन का जो है चेहरा जो है कहते एक आदमी है जिसका भारी भरकम जो चेहरा है. एक्सप्रेस रिलीफ उसको ऐसा लगता है जैसे बहुत रिलीफ मिल रहा है रिलैक्स मिल रहा है. तो जब उसने उसको देखा जब एंड्रयू को देखा जॉय मॉर्गन ने तो उसको जो है रिलीफ महसूस हुआ. और क्या बोला ए डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू. और उसने बोला जॉय मॉर्गन ने मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. मैं जो लास्ट आवर से पिछले घंटे से आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड कभी मैं इधर पीछे जाता हूँ कभी आगे आता हूँ कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ पिछले घंटे से. द मिसेज वांट्स यू. और कहते मेरी वाइफ को जो है तुम्हारी ज़रूरत है बिफोर टाइम टाइम से पहले. एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट. एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर. कहते एंड्रयू जो है अचानक ही रिकॉल करता है याद करता है अपने अफेयर्स को जो है याद करता है. और टोल्ड मॉर्गन टू वेट और मॉर्गन को कहता है इंतज़ार करो. ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग और वो अपने घर जाता है बैग के लिए. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस. कहते वो अपने घर जाता है बैग लेके आता है फिर दोनों जो है मिलके जॉय और जो एंड्रयू है डॉक्टर है दोनों जो है चल पड़ते हैं. दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस और वो नंबर 12 ब्लेना टेरेस पे जो है के लिए वहाँ चल पड़ते हैं. द नाइट एयर वॉज कूल. कहते जो रात की हवा थी वो ठंडी थी डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री और डीप थी जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी गहरी थी शांत थी. एंड क्वाइट मिस्ट्री ऐसे था जैसे एक रहस्य होता है. यूजली सो परसेप्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. यूजली सो परसेप्टिव कहते अक्सर जो है उसको जो जितनी भी समझ आती है
जिस जो परसेप्टी जो है उसको जितना भी वो समझ सकता है। एंड्रयू नाउ फेल्ट, एंड्रयू जो है अब ये समझता है डल और लिस्टलेस, बहुत ही उदासी और जो है अपनी ज़िंदगी को डल समझता है। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजल, ही हैड नो प्रीमोनिशन, उसको पहले जो है कोई इसका आभास नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, एस्टिमेशन नहीं था कि दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजल, कि आज की रात जो है उसके लिए एक अनयूजल प्रूव होगी, कि जैसे एक यूजल होता है ऐसे नहीं था, उसको पता नहीं था कि उसे यहाँ आना पड़ेगा और ये अनयूजल बात होगी उसकी लाइफ के लिए। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेंडली, स्टिल लेस दैट, कहते अभी कुछ कम ही ऐसे लग रहा था, इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर, कि आज जो है वो यहाँ पे रुका हुआ ऐसे लग रहा था कि ये आज का जो वक्त है उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी में ब्लेंडली में जो है फ्यूचर में उसको प्रभावित करेगा। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस, और दोनों आदमी जो हैं चलते चले गए साइलेंस में, चुपचाप चलते हुए चले गए, अनटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, जब तक वो नंबर 12 नंबर जो घर पे पहुंचते तब तक वो चुपचाप चलते रहे। एंड जॉय ड्रू अप शॉर्ट, फिर उसके बाद जो जॉय मॉर्गन था वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। आई शिल नॉट कम इन ही सैड, उसने बोला मैं नहीं आऊँगा। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि उसको साइन ऑफ स्ट्रेन है और कि वो परेशान के चिन्ह नज़र आ रहे थे उसके चेहरे पे। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, परंतु उसने जॉय मॉर्गन ने जो है एंड्रयू डॉक्टर को बोला आई नो, मैं जानता हूँ यू विल डू वेल फॉर अस, कि तुम हमारे लिए जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। इन साइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, और अंदर क्या था, जब डॉक्टर अंदर गया तो क्या था स्टूडेंट, ए नैरो स्टेयर, बहुत तंग सी जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी अप टू द स्मॉल बेडरूम, स्मॉल बेडरूम में जो है ऊपर जो है एक तंग सीढ़ियाँ बनी हुई थी, क्लीन साफ़ सुथरी थी बट पुअरली फर्निश्ड, परंतु जो वो बनी हुई थी वो अच्छे से बनी नहीं हुई थी, अच्छे से फर्निश नहीं थी। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ पे जो है एक ऑयल लैम्प जो है जल रहा था। हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर, और वहाँ पे मिसिस मॉर्गन की मदर थी, टॉल थी, लंबी थी, ग्रे हेयर्ड वूमेन थे उसके, नियरली 70 साल की उसकी उम्र थी। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड, और वहाँ पे एक जो है स्वस्थ जो है एल्डरली एक बड़ी उम्र की जो है मिडवाइफ भी बैठी हुई थी, नर्स बैठी हुई थी, दाई बैठी थी, वेटेड बिसाइड द पेशेंट, और वो पेशेंट के साथ में बैठ के जो है इंतज़ार कर रही थी। वॉचिंग एंड्रयू एक्सप्रेशन, और वो वॉच कर रही थी एंड्रयू के एक्सप्रेशन को एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे वो रूम में जो है मूव कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो वो उसको जो है देख रही थी। तो जैसे ही जो है एंड्रयू आता है तो अंदर क्या देखता है, अंदर जो है घर में जो है तंग सीढ़ी हैं, साफ़ हैं लेकिन वो अच्छे से फर्निश नहीं है, बने नहीं हुई हैं, और लिट जो है वहाँ पे एक लैंप जल रहा है, और मिसिस वहाँ पे मिसिस मॉर्गन्स मदर है, वो लंबी है, ग्रे हेयर्ड है और 70 साल की है, और वहाँ पे एक साथ में मिडवाइफ भी बैठी हुई है जो स्वस्थ है, स्टाउट है, स्ट्रांग है, और इंतज़ार कर रही है पेशेंट के पास बैठी हुई, और जो वॉच कर रही है एंड्रयू के एक्सप्रेशन को जब वो इधर उधर कमरे में घूमता है। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, सेट द फार्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ पल के बाद जो है फार्मर मीन्स है कि पहले हमने पढ़ा वुमेन ऑफ नियरली 70 जो मिसिज मॉर्गन की मदर थी, और लेटर होता स्टूडेंट बाद में, लेटर होता तो क्या होता मिडवाइफ है, तो पहले फार्मर क्या था मिसिज मॉर्गन। तो मिसिज मॉर्गन ने कहा सेट द फार्मर क्विकली, मिसिज मॉर्गन ने बोला थोड़ी देर बाद लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाती हूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू जो है मुस्कुराया फेंटली और ऐसे धीरे से। ही सा दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट, उसने क्या देखा, एंड्रयू ने देखा कि एक ओल्ड वुमेन है, जो ओल्ड वुमेन है वो वाइज है इन एक्सपीरियंस, वो बुद्धिमान है, उसको एक्सपीरियंस है लाइफ का, रियलाइज़ उसने ये महसूस किया देर मस्ट बी पीरियड ऑफ वेटिंग, और ये रियलाइज़ किया कि अभी तो पीरियड ऑफ वेटिंग, अभी तो टाइम है इंतज़ार करने का। शी वॉज अफ्रेड, वो डर रही थी ही वुड लीव द केस, उसे ये डर लग रहा था, जो मिसिज मॉर्गन की मदर थी उसे ये डर लग रहा था कि वो केस को छोड़ के चला जाएगा, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, और उसे लग रहा था कि वो चला जाएगा और ये कहेगा कि मैं बाद में आऊँगा। डोंट फ्रेट मदर, आई शैल नॉट रन अवे, तो उसने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला डोंट फ्रेट मदर, कि डरो नहीं मदर कि मैं जो है नहीं जाऊँगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम,
और नीचे किचन में जो है उसने चाय को पिया जो मिसेस मॉर्गन की मदर ने दी। ओवरवेट एज ही वाज, कहते जैसे वो बहुत थका हुआ था, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम। कहते ओवरवेट एज ही वाज, जैसे कि वो बहुत थका हुआ था, फिर भी वो जानता था ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, कहता फिर भी उसे पता था कि वो एक घंटा नहीं सो सकता, इफ ही वेंट होम, अगर घर भी चला गया तो। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, उसे ये भी पता था कि यहाँ पे जो केस है वो ये केस ये डिमांड करता है कि उसको पूरी टेंशन देनी है, यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। एक क्वियर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, और उसके ऊपर क्या हुआ, एक क्वियर लेथार्जी और एक बड़ी जो सुस्ती सी आ गई उसके ऊपर। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और उसने ये डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि जब पूरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं तभी यहाँ से जाऊँगा। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर अगेन, और आधे घंटे बाद जो है वो फिर अपस्टेयर गया ऊपर सीढ़ियों में। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, उसने देखा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। केम डाउन वंस मोर, फिर एक बार नीचे आया, सेट बाय द किचन फायर, और जो किचन में आग जल रही थी उसके पास बैठा। इट वॉज स्टिल, बिल्कुल चुपचाप शांति थी, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ सिंडर इन द ग्रेट। कहते इट वॉज स्टिल बिल्कुल शांति थी, एक्सेप्ट फॉर द, सिर्फ क्या आवाज़ आ रही थी स्टूडेंट, रसल ऑफ सिंडर, सिंडर होता फायर, आग की आवाज़ आ रही थी, रसल मीन्स वॉइस, सिंडर मीन्स फायर, फायर की आवाज़ आ रही थी, आग में से जो जो कोयले वगैरह लकड़ी जो जल रही थी उनकी आवाज़ आ रही थी, नहीं ग्रेट, ग्रेट होता है फायर प्लेस, फायर प्लेस में से फायर की आवाज़ आ रही थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो क्लॉक लगा हुआ था वॉल दीवार के ऊपर उसकी टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, वहाँ पे एक और भी साउंड थी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कुछ और भी आवाज़ आ रही थी स्टूडेंट, वो थी जॉय मॉर्गन की, उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो गली में कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी। द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और ओल्ड वुमेन जो थी वो जो है वहाँ पे बैठी हुई थी, ऑपोजिट उसके बैठी हुई थी और काले कपड़ों में, काली ड्रेस में थी, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, हिलजुल नहीं रही थी। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव, और उसकी आँखों जो थी वो अलाइव थी, वाइज थी, वो बुद्धिमान थी, प्रॉबिंग जैसे कुछ सर्च कर रही थी। नेवर लिविंग हिज फेस, और वो उसका कभी भी जो है वो उसके चेहरे से जो है उसकी नज़र नहीं हटती थी। हिज थॉट्स वर हैवी, उसके जो विचार थे, जो डॉक्टर एंड्रयू के विचार थे वो हैवी थे, भारी थे, मडल्ड डीप थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, कहते द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड, कहते वो उसे बात याद आ रही थी, वो एपिसोड याद आ रहा था, वो घटना याद आ रही थी जो उसने देखी थी कार्डिफ स्टेशन पे, जो कार्डिफ स्टेशन पे जो उसने घटना देखी थी वो स्टिल अभी भी याद आ रही थी। ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, मॉर्बिडली होता है जो बड़ी कोई उदासी सी चीज़ होती है फिर भी वो जो है याद आती है, उसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसके दिमाग में छाई रहती है। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, अब जो उसने घटना स्टेशन पे देखी अभी भी जो है एक उदासी बन के उसके मन में जो है आ रही थी। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, उसने जो ब्रैमवेल के बारे में सोचा, फुलिशली डिवोटेड हुए वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, कहते उसे याद आ रहा था। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, उसने ब्रैमवेल के बारे में सोचा, ब्रैमवेल कौन था, फुलिशली जो बेवकूफ़ था, डिवोटेड टू ए वुमेन, और वुमेन को इतना डिवोटेड था, एक औरत के पीछे इतना डिवोटेड था, और उस औरत ने क्या किया, हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, जो जिसने बुरी तरह से उसको जो है धोखा दे दिया। ऑफ ऑर्डर और ऑफ एडवर्ड पेज, फिर वो एडवर्ड पेज के बारे में सोच रहा था। बाउंड टू द श्रीएस्ट शिविस ब्लॉडवेन, और वो बाउंड था उससे, शिविश ब्लॉडवेन से जो था, एडवर्ड पेज जो था उसके बारे में याद कर रहा था, वो उससे बंधा हुआ था। शिविश ब्लॉडवेन है कि जो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट ब्लॉडवेन के साथ जो है वो बंधा हुआ था, उसके बारे में याद कर रहा था। फिर वो डैनी के बारे में याद कर रहा था, लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने देखा कि जो डैनी है वो अपनी पत्नी से जो है बहुत दुखी रहता है और उससे अलग रहता है। तो यहाँ तक क्या था स्टूडेंट के जो एंड्रयू था वो उसके विचार बड़े भारी थे और बहुत गहरे थे, और उसे वो जो कार्डिफ स्टेशन पे उसने जो सीन देखा वो उसको जो है बड़ा उदासी भरा याद आ रहा था। फिर वो ब्रैमवेल के बारे में सोच रहा था,
जिसको एक औरत ने बुरी तरह से धोखा दिया था। फिर वो एडवर्ड पेज के बारे में याद कर रहा था जो बंधा हुआ था, एक बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ब्लडवेन औरत से बंधा हुआ था। फिर उसने डैनी के बारे में याद किया कि ज़िंदगी जो जिसकी अनहैप्पी थी, जो खुश नहीं था अपनी ज़िंदगी से, अपनी पत्नी से अलग रहता था। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिजेज वर डिसमेल फेलवर। उसके ये सारे कारण ये बताए जा रहे थे कि जो मैरिजेज होती हैं ना वो असफल होती हैं, सफल नहीं होती शादी। इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। कहते इट वॉज ए कंक्लूजन, ये एक निष्कर्ष था इन हिज प्रेजेंट स्टेट की आज की स्टेट में जो है मेड हिम विंस, जो उसको जो है हर्ट कर रहा था। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट, और वो ये विश करता था कि जो शादी होती है वो क्या होता, आइडलिक स्टेट होती है, वो जो एक असफल स्टेट है, उसमें कामयाबी नहीं है। येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिश्चन बिफोर हिम। येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर, परंतु ये कंसिडर नहीं कर सकता था वो, जब उसके दिमाग में जो इमेज आती थी क्रिश्चन बिफोर हिम, और उसके सामने जब क्रिश्चन की इमेज आती थी तब वो ये कंसिडर नहीं करता था कि मैरिज जो है वो आइडलिक स्टेट है, मैरिज जो है कामयाब, एक मैरिज में सफलता नहीं मिलती है। क्रिश्चन वो था जिसको वो जो लाइक करता था, लव करता था। हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, और उसकी आंखें जो हैं उस जो क्रिश्चन की आइज जो थी उसको ऐसे लगता था शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, जब वो उसको देखती थी ऐसा लगता उसकी आंखें चमक रही हैं। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, तब फिर कोई और वो और कुछ निष्कर्ष नहीं निकालता था कि जब वो क्रिश्चन को देख लेता था तब नहीं कहता था कि मैरिजेज जो सफल नहीं होती हैं, फिर कोई और कंक्लूजन नहीं होता था। इट वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवर फ्लोइंग हर्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज। कहते ये क्या था, ये सब बातें क्या थी, उसके दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट था, ये कन्फ्लिक्ट था उसके लेवल में, और उसका जो डाउटफुल माइंड था और उसका जो ओवरफ्लोइंग हर्ट था उसमें जो ये कन्फ्लिक्ट था, जिसको जो है विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल, इन बातों से जो है उसको जो है वो रिजेंटफुल था और कन्फ्यूज था, वो घबराया हुआ था और व्याकुल था। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और उसने अपनी चिन को क्या किया, ठोड़ी को क्या किया, अपने चेस्ट के ऊपर जो है ऐसे जो है उसने रख दिया, अपनी ठोड़ी को जो है चेस्ट के साथ मिलाया। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपनी टांगों को फैलाया। स्टेयर ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और स्टेयर घूरता रहा खाली, ब्रूडिंगली खाली जो है आग की तरफ देखता रहा। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, और ऐसे ही जो ऐसी स्थिति में बड़े लंबे टाइम तक रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिश्चन, और वो जब सोच रहा था तो उसकी सोच में कौन था, क्रिश्चन ही था, क्रिश्चन ही थी, क्रिश्चन वो था जो जिस लड़की को वो लाइक करता था। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम। दैट ही स्टार्टेड, वो एकदम जो स्टार्टेड हो गया, हैरान हो गया जब उस ओल्ड वुमन ने ना अचानक ही जो है उसको एड्रेस किया। जब ओल्ड वुमन ने उसको बुलाया तो वो एकदम हैरान सा हो गया। हर मेडिटेशन है परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स, और वो तो उसका तो जो मेडिटेशन था, जो उसका फोकस था अपने विचारों के ऊपर, उसने जो है एक अलग ही कोर्स ले लिया, अलग बात सोचने लग गया वो। सूसन सेड नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी, और सूसन ने बोला कि इसे जो है पेशेंट को क्लोरोफॉर्म मत दो, क्योंकि इससे क्या होगा, बेबी को नुकसान होगा। शी इज़ ऑफुल सेट अप ऑन दिस चाइल्ड, और वो तो कहते बिल्कुल जो है उसको जो है बच्चे की तरफ ही उसकी जो है फोकस था, सेट अप ऑन द चाइल्ड। शी इज़ ऑफुल सेट अप ऑन दिस चाइल्ड, वो जो है बिल्कुल बच्चे की तरफ जो केयर कर रही थी डॉक्टर बैच। हर ओल्ड वाइज वार्म्ड एट ए सडन थॉट, और उसकी जो ओल्ड आँखें थी, जो बूढ़ी आँखें थी, वो एकदम ही चमक उठी सडन थॉट के साथ। शी एडिड इन ए लो टोन, ए वी ऑल आर आई फैंसी, शी एडिड इन ए लो टोन, और उसने धीरे से आवाज़ में बोला, वी ऑल आर, हम सभी हैं, आई फैंसी, मैं फैंसी हूँ। आई कलेक्टेड हिम, ही कलेक्टेड हिम सेल्फ विद एन एफर्ट, और उसने जो अपने आप को कंट्रोल किया कोशिशों के साथ। इट वुड नॉट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, और उसने जो है डॉक्टर ने बोला, इट विल नॉट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, अगर एनेस्थेटिक दे देंगे हम, बेहोशी की दवाई दे देंगे, तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा, दे विल बी ऑल राइट, वो दोनों जो है ठीक रहेंगे। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और अब क्या हुआ, नर्स की वॉइस आवाज़ आ रही थी ऊपर से जो है, हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, ऊपर से जो है नर्स की आवाज़ आ रही थी। एंड्रयू ग्लास एट द क्लॉक, एंड्रयू ने जो है क्लॉक पे देखा, घड़ी पे देखा। बीच नाउ शोड 3:30, और अब उसमें टाइम कितना हो रहा था स्टूडेंट, 3:30, 3:30, 3:30 बजे का टाइम था। ही रोज एंड वेंट अप थ्रू द बेडरूम,
वो उठा और बेडरूम पे गया। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। अब उसे लगा कि अब उसे जो है काम करना है, शुरू करना है। एन आवर इलेप्स्ड, एक घंटा ख़त्म हो गया। इट वॉज ए लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, कहते तो एक बहुत लंबा टाइम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। कहते देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ द डॉन, कहते जैसे पहले ही एक रोशनी सी आती है, स्ट्रेट पास द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड। ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड मीन्स जो रात का अंधेरा था, रात का अंधेरा ख़त्म हुआ और जैसे ही थोड़ी सी रोशनी आई तो क्या हुआ था, चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। तो चाइल्ड का बर्थ हुआ लेकिन वो लाइफलेस था, उसमें जो है जान नहीं थी, वो एक डेड बॉडी था। सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट वन ऑफ दिस लेसन, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन। एंड स्टूडेंट स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।